नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। मैं CP शर्मा आज आप सभी के लिए राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर लेके आया हूँ और आपकी एग्ज़ाम तक यानी कि 30 दिन 30 मॉडल पेपर लेके आऊँगा सुपर 30। ओके, सुपर 30 में सभी के सिलेक्शन हुए थे, 30 के 30 सिलेक्शन हुए थे, उसी में आप भी शामिल होने वाले हो क्योंकि आपका भी सभी का सिलेक्शन होने वाला है। तो खुशी के साथ में हम वीडियो को चालू करेंगे। मात्र 55 मिनट का वीडियो होगा, 110 क्वेश्चन होंगे, 55 मिनट और 110 क्वेश्चन यानी कि 30 सेकंड में एक क्वेश्चन होगा। सर, 110 क्वेश्चन ही क्यों लेकर आ रहे हो? कारण है, रीजनिंग मैंने इसमें नहीं जोड़ी है क्योंकि रीजनिंग की क्लास अलग से होती है। इस वजह से मैंने 110 क्वेश्चन इसमें जोड़ दिए हैं। इस हिसाब से आपके 9000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 30 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 9000 क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे ज़्यादा ही। तो आप सभी वीडियो को, एक घंटे की वीडियो को देखना ना भूलें। तो हम वीडियो को चालू करते हैं बिना समय गवाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। ओके, पहला क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? उस सूचना के बारे में बताना है, वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर, पेरिफेरल, CPU, इनमें से कोई नहीं। 30 सेकंड का समय होगा मात्र प्रत्येक क्वेश्चन में। ओके, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हार्डवेयर, पेरिफेरल, CPU तीनों नहीं होते हैं इसमें। ओके, सूचना क्या कहलाएगा? इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं इसमें, रीजनिंग की क्लास मनोज जी से लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं बताइए। देखें, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं है बताइए। देखिए, आपकी सफलता की एक कदम यहाँ से जरूर मिलेगा और ये सुपर 30 आपको सिलेक्शन ज़रूर दिलाएगा, मेरी उम्मीद है, और आप सभी इसको ज़रूर पूरा करना। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा UPS, यह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, QWERTY कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है? तो इसमें टोटल कुंजी होती है 104। अगला क्वेश्चन, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट बिना समय गवाई। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, 20 सेकंड का समय है। निबल में पूछ रहा है, निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो निबल के अंदर कितने होते हैं बताइए। देखिए फटाफट, राइट आंसर हो जाएगा 4। निबल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, निम्न में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आप अपना स्कोर भी मेरे को बताना है, आप सभी को, कि मेरे क्वेश्चन इतने सही हैं, स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो कौन सी नहीं है? यहाँ पे प्रिंटर नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 7 बोले तो 47। ओके, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, कीबोर्ड, रैम। बताइए, देखिए स्थायी रूप से, तो स्थायी रूप से कहाँ पे रखा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में रखा जाता है, प्राइमरी में तो अस्थायी होता है, कीबोर्ड तो रखा ही नहीं जाता है, रैम भी अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किया जाने वाले अधिकांश कार्य निम्न में से कौन हैंडल कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी।
जैसे वायरस मान लीजिए आपको, वायरस को कौन हैंडल करेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूटिलिटीज़, भी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, कौन सा कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बताइए देखिए फटाफट, 30 सेकंड का समय है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के मध्य जो कार्य करता है, बताइए देखें, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, एडिट, स्पेशल, फाइल, टूल्स। ये प्रैक्टिकल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फाइल। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करोगे, तो आप फाइल सेलेक्ट करोगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 51। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, कौन दिखाता है, बताइए देखें। एक्सेल की बात हो रही है, एमएस एक्सेल जो होता है उसमें सेल के कंटेंट्स जो होते हैं उनको कौन डिस्प्ले करता है, तो फॉर्मूला बार राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक एक बात जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो क्या लगाया जाता है, बराबर का चिन्ह उसमें लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 52। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है, आपको सभी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं तो आप क्या प्रयुक्त करोगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आता है तो आंसर दीजिए अन्यथा नो लिख दीजिए, गलत आंसर नहीं देना है, कंट्रोल ए हो जाएगा, कंट्रोल आर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, स्प्रेड शीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्प्रेड शीट की बात हो रही है, डेटा जो है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंक्ति और स्तंभ में। आप सभी को पता है कुछ पंक्तियाँ होती हैं और कुछ स्तंभ होते हैं। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट्स में पहुँच जाता है, क्या कहाँ पे पहुँच जाता है, बताइए देखें, मध्य, ऊपर, आरंभ, अंत। राइट आंसर हो जाएगा आरंभ में पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन, मित्रों मैं क्षमा चाहूँगा इस पे मेरा गलत टिक हो गया है, तो आप सभी बताइए देखिए, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है, आपको वैसे ही बताना है, ये लाइन गलत लग गई है। ओके, नेटवर्कों का जो नेटवर्क है उसे क्या कहा जाता है, बताइए देखिए, हटा दिया है मैंने, बताइए देखें, नेटवर्कों का जो नेटवर्क है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंटरनेट, क्या कहा जाता है इंटरनेट, यानी कि यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए देखें, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की दबाकर हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ला सकते हैं, बड़ा गजब क्वेश्चन है, पहली बार पढ़ रहे हैं आज, एमएस वर्ड की बात हो रही है, कौन सी फंक्शन की दबाओगे आप, जो आपकी 12 की होती है उसमें, जो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ला सकते हैं, कौन सी ला सकती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा F4। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 57। मित्रों एक मिनट में क्षमा चाहूँगा, जो इसका जो राइट आंसर होगा F4 नहीं होगा, F5 होगा। ओके,
फाइंड एंड रिप्लेक्स डायलॉग बॉक्स को जो ला सकती है वह की हो जाएगी आपकी F5 हो जाएगी, F4 नहीं होगी। ओके, अब बताना आप सभी को इसका आंसर, क्षमा चाहूँगा उसके लिए, F5 राइट आंसर वहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन बताइए देखें, यदि आपका कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो जाता है, यह हो सकता है किसके कारण हो सकता है? यह हो सकता है वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन, जंक ईमेल को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है जंक ईमेल को? स्पैम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्पैम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी हैं फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने, बताइए देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए देखें, किस फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण है, कौन सा कारण है, किसी भी फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण कौन सा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फाइल के आकार को कम करना, इनक्रिप्शन का कार्य होता है। ये कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अब जीके का पार्ट चालू हो चुका है, अब 90 क्वेश्चन आपके जीके, करंट जीके, महिला बाल विकास के क्वेश्चन हैं। ओके, 20 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के कंप्लीट कर लिए हैं, उम्मीद है आपके लगभग सभी सही होंगे। ओके, तो अब हम जीके की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जो है प्रथम वाइसराय कौन था, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो 20 सेकंड का क्वेश्चन है, प्रथम वाइसराय पूछ रहे हैं, तो बताइए देखें कितना गजब क्वेश्चन है। प्रथम वाइसराय हमारा लॉर्ड कैनिंग था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बताइए देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 62 है, बताइए देखिए, वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो 1928 की बात हो रही है भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी के साथ साथ में किसके समझौता हुआ था? ये पूना समझौता, पूना पैक्ट के नाम से जिसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर के मध्य। ओके, गांधी जी के भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था पूना समझौता। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, वर्ष 1928 में भारत आए कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संविधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। जो संविधानिक व्यवस्था है हमारे देश की उसमें सुधार करना था, तो उसके बारे में बताइए देखें, काफ़ी चर्चा में भी रहा था, तो साइमन कमीशन राइट आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम जो है सिक्किम में गुजरने वाला अक्षांश गुजरता है। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यदि आप प्रैक्टिकल नॉलेज यदि आपको मानचित्र अच्छे से याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हो, अन्यथा गलत होगा। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश कहाँ से गुजरेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारे राजस्थान से भी गुजरेगी, सिक्किम से गुजरेगी तो राजस्थान से भी गुजरेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है? कौन सा पर्यटन स्थल है जो सही नहीं है? 30 सेकंड का समय है, बताइए। चीन की दीवार चीन में है, तकसांग भूटान में है, नेपाल में पशुपति मंदिर है, श्रीलंका में पद्मनाथ स्वामी का मंदिर है, तो बताइए कि कहाँ पर राइट कौन सा मेल नहीं खाता है।
राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका में पद्मनाथ स्वामी जी का मंदिर नहीं है, आपको बताना है ये कहाँ पर है, श्रीलंका में नहीं है तो। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने को ड्रक तूल के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसको ड्रक तूल के नाम से संबोधित किया जाता है, म्यांमार, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। आप तो फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ये हो जाएगा आपका भूटान। भूटान को क्या कहा जाता है, ड्रग थूल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 68, बताइए देखें, एल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। 7 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो आपको बताना है एल्पस जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन से महाद्वीप में है। तो एल्पस पर्वत श्रृंखला जो है आपके यूरोप महाद्वीप में है। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। मजा आ जाएगा आज आपको पेपर देने में, गार्डन गार्डन हो जाएगा दिल आपका, है ना। शब्द कुछ सुने सुने से लग रहे होंगे वैसे तो। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई, राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 70, बताइए देखिए, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया जाता है। नीति आयोग की बात हो रही है, जिसको योजना आयोग के नाम से पहले जाना जाता था, कौन से आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल बताना है नीति आयोग का, तो बताइए देखें। राइट आंसर हो जाएगा इनमें जो है कोई सा नहीं होगा, अब आपको बताना है कि कौन सा होगा। ओके, ऑप्शन में तो कोई सा नहीं है लेकिन आपको बताना है कौन सा होगा नीति आयोग का आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत है, तो क्या कहा गया है, बताइए देखिए ऑप्शन के हिसाब से। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ देखें। राजस्थान प्लीज, अब वर्दी दूर नहीं है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, प्रथम बादशाही राज्य किसे बनाया गया था, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। साइंस का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, यानी कि आप कह सकते हो जो आपके चिप्स की थैली आती है उसमें कौन सी गैस आती है। अब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अब आप ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर दे सकते हो इसका, तो बताइए देखें। नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन तो आ ही नहीं सकती ना। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं की वह प्रकृति जो उसे स्त्रियां समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। समान गति से जड़त्व, बल, घर्षण, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप सभी बता रहे हो जड़त्व, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, साइंस कहते हैं इसको, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है। ब्यूटेन जो होते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन आपके एलपीजी गैस में आती है, बीपी, ब्यूटीन, प्रोपेन, तो प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका C3H8, राइट आंसर हो जाएगा, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। हमारे मस्तिष्क का
कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मज्जा, अस्थि मस्तिष्क का पश्च भाग। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मज्जा। जो मज्जा जो होती है वह सांस लेने को नियंत्रित करती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? बायोगैस का घटक नहीं है CO2, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बायोगैस का घटक नहीं है, बाकी सभी बायोगैस के घटक है CO2, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फेट। अगला क्वेश्चन, वर्षणों में जो है स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, टेस्ट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट्रो, जो है टेस्टोस्टेरोन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये महिलाओं से संबंधित है, डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए फूलों का आवश्यक अंग कौन सा है? फूलों में जो प्रजनन होता है वह आवश्यक अंग कौन सा होता है उसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर व स्त्री केसर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पहली बार सुन रहे हैं क्वेश्चन, तो कि प्रजनन के लिए फूलों का आवश्यक अंग कौन सा होता है? पुंकेसर व स्त्री केसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन, मशरूम क्या है? मशरूम जो होता है वह क्या है? कवक, पौधा, पशु, बैक्टीरिया। कवक की बात हो रही है, मशरूम की बात हो रही है, मशरूम क्या होता है? तो यहाँ पे मशरूम होता है आपका कवक होता है, मशरूम क्या होता है? कवक होता है। अगला क्वेश्चन, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का सफ़ेद रंग, अब यहाँ पे आधे गलत करेंगे, कई लेक्टोज बताएंगे, लेकिन केसिन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थाई होती है? अस्थियाँ, अस्थाई क्या मित्रों, अस्थियाँ कितनी होती है? हमारी खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, मनुष्य की अस्थियों जो हैं खोपड़ी के अंदर, तो बताइए। देखिए तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 22 होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? धमनियाँ करती है शुद्ध तो, लेकिन शुद्धिकरण को कहा क्या जाता है यह पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को घुमा दिया है ना, तो शुद्धिकरण को क्या कहते हैं बताइए। देखें, धमनियों के द्वारा शुद्ध किया, शुद्ध जो है होता है, शुद्धिकरण की को क्या कहते हैं? तो शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, WBC का मुख्य मार्ग कौन सा होता है? CO2 को ले जाना, O2 को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। WBC वर्ल्ड वाइड जो है ब्लड कोशिका जो होती है आपकी, उसके बारे में बात हो रही है। ओके, WBC के बारे में बात हो रही है, तो WBC का कार्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। यदि आपकी WBC अच्छी है ना, तो कोरोना वायरस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको पता होगा ना कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है ना, उसका कोरोना वायरस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगला क्वेश्चन है, सोने के आयात में कमी के कारण भारत का ट्रेंड घाटा घटकर 143.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। स्वर्ण आयातक देशों में भारत की रैंक क्या है? स्वर्ण मंगाने के हिसाब से हमारे देश की रैंक क्या है भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, बताइए देखिए फटाफट आंसर।
तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। हमारा देश कौन सा है? पहला है स्वर्ण आयातक में। करंट जीके हैं भाई, गजब करंट जीके हैं आप सभी के लिए। स्वर्ण आयातक में कौन सा देश है? तो पहला है। अगला क्वेश्चन, 30 सेकंड का समय है आप सभी के साथ में, बताइए। देखिए, जहाजरानी मंत्रालय ने ROPAX नामक सहयात्री नौका सेवा की शुरुआत कहाँ से की है? जहाजरानी मंत्रालय, तो ये कहाँ से की है? ये की है आपकी महाराष्ट्र से, भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वहाँ से। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। विंग्स इंडिया कॉन्क्लेव 2020 की हाल ही में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? यदि आपको नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन की डिटेल्स चाहिए तो मेरे पास में ले लेना। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैदराबाद, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हैदराबाद में विंग्स इंडिया कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स परिषद में डोपिंग घोटालों के लिए किस देश के एथलेटिक महासंघ पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है? डोपिंग, वाडा का नाम सुना होगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो होती है, जो खिलाड़ी नशा करते हैं उनसे संबंधित हैं, तो उसने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना किस पर लगाया है? चीन पर, रूस पर, कनाडा पर, यूक्रेन पर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस, राइट आंसर हो जाएगा। रूस के खिलाड़ियों पे लगाया है, रूस के महासंघ पे लगाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिल गेट्स ने अपनी कंपनी के निदेशक मंडल पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस कंपनी के संस्थापक थे? निदेशक मंडल जो पद है उससे इस्तीफा दे दिया है, तो बिल गेट्स। कंप्यूटर पढ़ रहे हो आप, पता होगा शायद। राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, MS वर्ड, एक्सेल वगैरह सब कुछ चलता है उससे के हैं बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन, ओमान ओपन टेबल टेनिस चैंपियन पुरुष एकल किसने जीता है? ओमान ओपन टेबल टेनिस चैंपियन है वो पुरुष एकल किसने जीता है? शरत कमल, मनोज मेघवाल, अनूप ठाकुर और प्रवीण कश्यप। तो ओमान ओपन टेबल टेनिस चैंपियन जो हैं वो शरत कमल ने जीती है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? वर्ष 2019 में पढ़ाया था भाई क्लास में, गजब तरीके से पढ़ाया था, गलत कर ही नहीं सकते इतने प्यारे विद्यार्थी जो हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करमवीर सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं, बताइए। देखिए फटाफट, देखिए सारे पता है आपको, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री तो आप अभी चुटकी बजा के उत्तर निकाल सकते हो उसका। तो सिक्किम क्या होगा? प्रेम सिंह तमांग, राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2019 दिया गया है? कैसे दिया गया है बताइए। देखिए ये सारे क्लास में पढ़ाए हुए हैं मेरे, उस समय जो नवंबर दिसंबर जनवरी का क्वेश्चन आई है तो मेरे पढ़ाया हुआ है। जैसे टाइगर वुड्स, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के गठन के लिए कितनी सीटों पर आम चुनाव करवाया गया था? 17वीं लोकसभा चल रही है अभी, तो कितनी सीटों पर आम चुनाव करवाया गया था बताओ। देखें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 542। 43 करते लेकिन एक नहीं हुई थी, आप सभी को बताना है कि कहाँ पर नहीं हुआ था, वह भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ माई मिशन, मेरा जीवन है ना, तो बताइए। देखें, ओके, बाबा रामदेव, स्वामी विवेकानंद, बाबा सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी। तो माई लाइफ माई मिशन ये रचना है बाबा रामदेव की, ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, कौन सा अपराध है? महिला बाल विकास चालू हो चुका है भाई, करंट जीके, इंडिया जीके कंप्लीट हो चुका है आपका और महिला बाल विकास प्रारंभ है।
निम्न में से महिलाओं से संबंधित अपराध कौन सा है? दहेज उत्पीड़न, अपहरण, बलात्कार, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है महिलाओं से संबंधित अपराध। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बाल विवाह करने के पीछे कारण क्या है? क्या कारण है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में बाल विवाह होते हैं, आकात एज को सर्वाधिक जो होते हैं, क्यों होते हैं, कारण क्या है इसका? आप महिला बाल विकास को लेके परेशान मत होना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टेंशन में आके कहीं सारी धारा को लेके बैठे रहो, बाकी सब्जेक्ट रह जाए, तो ऐसे परेशान नहीं होना है। यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी महिला की आकृति, उसकी रूप, शरीर तथा उसके किसी भाग का इस प्रकार वर्णन या चित्रण करना जिससे उसका चरित्र कलंकित हो, किस परिधि में आता है, कौन सी हिंसा में आता है? घरेलू हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अश्लील चित्रण। चित्र बना रहा ना, तो अश्लील चित्रण हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट 2015 के संदर्भ में किस धारा के तहत बालक का अश्लील प्रयोजन के उपयोग पर रोक है? धारा 8, 11, 12, 13, बताइए। देखें, पॉक्सो एक्ट की बात हो रही है 2015 वाले की, तो बताइए देखिए, बालक का अश्लील प्रयोजन के उपयोग पर रोक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बालक 13 साल का, धारा 13 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिनियम व्यावसायिक यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से किए जाने वाले व्यापार की रोकथाम करता है? सती रोकथाम अधिनियम 1987, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तो बताइए देखिए क्या राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है भाई ये, कितने नंबर का? 100 नंबर का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कूल में बच्चों के साथ होने वाले संभावित हिंसा में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? भाई स्कूल जाते थे ना आप सभी, तो संभावित हिंसा में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? 101 में जो हो जाएगा, पोषाहार प्रदान करना। भाई आपको खाना खिला रहे हैं स्कूल में छोटे बच्चों को, तो वो हिंसा थोड़ी ना है, बच्चों को सजा भी हिंसा है। आज कल को आप टीचर बन जाओ तो आप दे भी नहीं सकते बच्चों को, है ना, ये सब तो सीख लिया आप सभी ने। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का पीछा करने से संबंधित कानून की धारा कौन सी है, बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 102, महिलाओं का पीछा करता है कोई तो कौन सी धारा लगेगी? तो यहाँ पे लग जाएगी 354 डी लग जाएगी भाई, ऑप्शन भी डी है और 154, ये 354 डी लग जाएगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, दहेज अधिनियम के अंतर्गत दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित धारा कौन सी है? अब आ रहे हैं धारा के क्वेश्चन सारे के सारे, बताओ। देखिए, दहेज अधिनियम के अंतर्गत दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित धारा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 8B, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बार अपराध करने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान कौन सा है? पहला जुर्माना करता है उसका कितना लगेगा भाई? तो इसका जुर्माना है 2000 रुपये। कितने रुपए हैं? 2000 रुपये। बताओ बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। देखें अगला क्वेश्चन, बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बच्चों को 3 घंटे कार्य करने के बाद कितने समय का समय अंतराल दिया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का, 30 मिनट का, यानी कि लंच। आजकल स्कूलों में 15 मिनट का करते हैं ना, तो ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर युद्ध के संदर्भ में
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सारंगपुर युद्ध की बात हो रही है तो बताइए कि सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। यह युद्ध महाराणा सांगा एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद शाह द्वारा किस मंदिर पर आक्रमण कर मूर्ति के टुकड़े कसाइयों में मांस तोड़ने हेतु वितरित कर दिए थे? चौंकाने वाला क्वेश्चन है। तो बाण माता मंदिर कुंभलगढ़। ओके, महमूद शाह ने इतना कुकृत्य किया था ये भी एक तरीके से। अगला क्वेश्चन, चंपानेर की संधि कब तथा किसके मध्य हुई थी? चंपानेर की संधि, तो राइट आंसर हो जाएगा 1456 में महमूद खिलजी व सुल्तान जो है सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य। अगला क्वेश्चन है, युद्ध दे रखे हैं, संधि दे रखे हैं, मिलान करके बताना है, तो बताइए। देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा गागरोन का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए मिलान सही है। 4-3-2-1 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन भाई, ये डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ना, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1927 है ना, ये सारी चीज़ें याद रखना। बारी का युद्ध 1518 के अंदर। ओके, खातौली का युद्ध 1517 में, गागरोन का युद्ध 1519 में। अगला क्वेश्चन, खानवा की युद्ध के समय राणा सांगा के सहयोग हेतु उच्च श्रेणी के राजा राव एवं सरदार शामिल हुए, उनकी संख्या क्रमशः थी। कुछ ऐसे भी लग रहा होगा आपको, है ना, ये टेस्ट देखे कि गुरु जी इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इतने क्वेश्चन है ना, तो ऐसा नहीं है भाई, एग्ज़ाम में भी इतना ही टाइम मिलेगा। 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। ओके, है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, 7 राजा 9 राव 104 सरदार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के दूसरे साके के समय केसरिया व जोर का जो है नेतृत्व क्रम से किसके द्वारा किया गया था? जब केसरिया हुआ तो उसका किसने किया था और जोहर का किसने किया था, नेतृत्व की बात हो रही है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर बाग सिंह और रानी कर्मावती। चित्तौड़ के दूसरे साके की बात हो रही है, पहले की नहीं हो रही है, रतन सिंह की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन, महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुई है, उसका बारे में बताना है, कौन सी घटित नहीं हुई है। तो महाराणा भूपाल सिंह के समय राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक तो 1857 की क्रांति नहीं हुई, महेंद्र राज सभा का गठन नहीं हुआ और राजपूत हितकारिणी सभा का गठन नहीं हुआ, तो बी डी एफ राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन है बड़े बड़े अच्छे से, राजस्थान जी के, आज पता चलेगा कि राजस्थान जी के ऐसा भी आता है क्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथनों का चयन कीजिए, सत्य कथन कौन से हैं यहाँ पे बताइए। देखिए, 1935 में जीवन शिक्षा कुटीर नाम से वन स्थली में महिला शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी, पंडित हीरा लाल शास्त्री को हुंडड़ी जो है हु ने टू डी में महिला शिक्षण संस्थान की स्थापना की, 1933 में उदयपुर में पहला तकनीकी कॉलेज आयुर्वेद चिकित्सा का प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पे सत्यकथन के बारे में बात कर रहा है, सत्यकथन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ए और सी सही है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे,
बी की बात गलत है कि पंडित हीरालाल शास्त्री वाला ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कथनों की सत्यता का परीक्षण करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। स्वामी दयानंद जी की जो हैं उनके कथनों के बारे में बताना है, बताइए। देखिए सत्य कथनों के बारे में बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बताइए देखिए फटाफट, कि दयानंद सरस्वती द्वारा वैदिक धर्म सभा की स्थापना अजमेर में की गई थी, ये बात सही है क्या? तो भाई सरासर गलत है, ये तो सही कहाँ पे है, है ना, ये तो पूरी गलत है। ओके आगे बात करें कि दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारी सभा की स्थापना उदयपुर में बिल्कुल की गई थी, दयानंद सरस्वती द्वारा अजमेर में आर्य समाज की स्थापना बिल्कुल की गई थी, दयानंद सरस्वती का देवास जोधपुर में हुआ था, ना जोधपुर में नहीं हुआ था। ओके अगला क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार 2013 वाली भर्ती में। अगला क्वेश्चन, निम्न कूटों में सम्मिलित करते हुए सत्य कथन जो है, सत्य कूट का चयन कीजिए। सत्य कौन सा है, संस्थान कौन सी है, प्रवर्तक कौन से हैं, वर्धमान पाठशाला के संस्थापक कौन थे, हार्डिंग बम केस के वीर भारत सभा आज़ाद मोर्चा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आज़ाद मोर्चा, बाबा हरीशचंद्र, वीर भारत समा, केसरी सिंह बारट, हार्डिंग बम केस के कुंवर प्रताप सिंह, वर्धमान पाठशाला के अर्जुन लाल सेठी। ओके अगला क्वेश्चन, लोक देवता देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2011 के अंदर ये जारी की गई थी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का खजुरोह निम्नलिखित में से किस मंदिर को कहा जाता है, मेवाड़ का खजुरोह है कौन से मंदिर को कहा जाता है, ये कहा जाता है अंबिका माता मंदिर उदयपुर को मेवाड़ का खजुरो है कहा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, भादवे की शुक्ल पंचमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बताइए देखिए, झांसी रक्षाबंधन, बसंत पंचमी, ऋषि पंचमी, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, राइट आंसर हो जाएगा ऋषि पंचमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार वंश के कौन से शासक को निर्भय नरेंद्र की पदवी से नवाजा गया, गुज्जर प्रतिहार वंश के कौन से शासक को निर्भय नरेंद्र की पदवी से नवाजा गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ये राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल वन को। ओके ए राइट, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चित्रकार महाराणा जगत सिंह प्रथम के दरबार में आश्रित चित्रकार थे, कौन थे उनके बारे में बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मनोहर, साहिबुद्दीन, नसीरुद्दीन, सारे हो जाएंगे ऑल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजपूत शासक के शासनकाल में बड़े पन्नों पर चित्रांकन की परंपरा प्रारंभ हुई थी, महाराणा जय सिंह के, हमीर द्वितीय के, राज सिंह के, संग्राम सिंह द्वितीय के, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमीर सिंह द्वितीय के शासनकाल में, बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक देवता को जहर पीर के उपनाम से भी जाना जाता है, रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी,
कुछ का तो यहाँ पे भी चालान कट चुका है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य व जैसलमेर राज्य के मध्य नमक संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? 1980, 1979 या 1867 में? राइट आंसर हो जाएगा 1879 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न बोलियों में से मारवाड़ी की उप बोलियाँ कौन कौन सी है बताइए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा बागड़ी और डटकी, राजावाटी नहीं होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से वैवाहिक रस्म को दर्शाने वाला युग्म कौन सा है? वैवाहिक युग्म को दर्शाने वाला, छोल, छाता, छिक्की, पिंडदान? नाम से ही पता चल रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शादी ब्याह सभी को पता है ना ये तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रीत भात हिरावणी सुंज। ओके डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? दस पॉइंट 41%, ये पिछली बार भी आया था और इस बार फिर से आ सकता है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण वह पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जा सकता है, कैसे मापा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोणा, बोरकुंडा, सिलोन, कटरा, सी राइट आंसर हो जाएगा, चारों तरफ की आपको दिशा दे दी गई है। अगला क्वेश्चन, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? बरखान जो है वह कहाँ पे पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा चूरू, राइट आंसर हो जाएगा चूरू में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अरावली की चोटी अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 1380 मीटर। अगला क्वेश्चन, मालखेत की पहाड़िया किस जिले में स्थित है? मालखेत की पहाड़िया कौन से जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सीकर। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती का पठार की मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? हाड़ौती के पठार की, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है पठार, उसकी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, लाल, भूरी, मध्यम, काली? राइट आंसर हो जाएगा मध्यम काली, कपास के लिए जो उपयोगी होती है। ओके अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? सितंबर 2011, अगस्त 2010, मार्च 2011, फरवरी 2010? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2010 के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था। गजब क्वेश्चन है आपको घुमाने वाला। अगला क्वेश्चन सम्मिलित करके बताइए, नदियों का जो है बताइए, देखिए कातली, बाणगंगा, काकनी, साबी कौन सी पहाड़ियों से निकलती हैं? पहाड़ियों को लेके क्वेश्चन है तो बता दीजिए। देखें ऑप्शन आपके सामने दिख ही रहे हैं, बताइए दीजिए फटाफट। साबी नदी की हम बात करें तो ये निकलती है आपकी सेवर की पहाड़ियों से। काकनी नदी की हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कोटड़ी गांव से।
और बाणगंगा की बात करें तो ये बेराट की जो है पहाड़ियों से निकलती है और कांथली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्षमा चाहूँगा, ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना बहुउद्देश्यीय परियोजना नहीं है, बहुउद्देश्यीय परियोजना नहीं है, वह कौन सी नहीं है, भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना, माही परियोजना, बिसलपुर परियोजना। तो राइट आंसर हो जाएगा बिसलपुर परियोजना बहुउद्देश्यीय परियोजना नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, आपके पास में 30 सेकंड का समय है जैसा कि आप सभी को पता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोयला, राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का होता है, सोना आप जानते हो, लोहा सभी धात्विक होते हैं, कोयला अधात्विक खनिज होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायत हैं, वर्तमान हमारे राजस्थान राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायत हैं बताइए। देखिए वर्तमान परिवर्तन कर दिया गया है, पहले की रट रखी हो तो वो चेंज हो चुकी है, पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 11152, सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, 11152 अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत है हमारे राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अब 562 भी दे रखा है और 565 भी दे रखा है, 70 भी दे रखा है, अब आपको बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, क्या राइट आंसर हो जाएगा। सूचना आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है तो 565 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 65 वर्ष तक रह सकता है सूचना आयोग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, प्रथम राज्य वित्त आयोग की किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, प्रथम राज्य वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था बताओ। देखिए गजब क्वेश्चन है, प्रथम राज्य वित्त आयोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। ओके, अभी लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम लगी थी पिछली वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कृष्ण कुमार गोयल, राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण कुमार गोयल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपका कृष्ण कुमार गोयल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 565 हो गया था। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसका कार्य कौन सा नहीं है, मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, किसी जेल को देखना, मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले को सजा, मानव अधिकार की सुरक्षा व पुनर्वलोकन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, मानव अधिकार का उल्लंघन करने वालों को सजा देना मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं होता है, बाकी सभी मानवाधिकार आयोग के कार्य है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान गठन के समय रियासत से पृथक धारासभा अस्तित्व में थी, अजमेर, अलवर, जोधपुर, भरतपुर। राजस्थान गठन के समय कौन सी रियासत पृथक धारासभा अस्तित्व में थी, तो अजमेर थी, अजमेर का विलय बाद में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस सरकार के द्वारा पहली बार किस विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आज तक हम पढ़ रहे हैं कि अभी वर्तमान में कौन सा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है ना, स्वास्थ्य मंत्री वगैरह सब पढ़ते हैं, कौन सी चल रही है ये भी आप सभी पढ़ते हो, लेकिन आप क्वेश्चन को देखो कि इतना अच्छा घुमाया है
कि कांग्रेस सरकार को पहली बार कौन सी विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिला था, पूर्ण रूप से बहुमत मिला था, तो ये मिला था, आप सभी को मैं बता दूं, 11वीं विधानसभा में मिला था। इसकी डिटेल्स ये तो आपको मैं बाद में बता दूंगा, देख लेना, ओके, वीडियो पूरा हो जाने के बाद में। अगला क्वेश्चन, 1946 में देश की संविधान निर्मात्र सभा में निम्न में से कौन सा राजस्थान से नहीं थे? कुछ व्यक्ति राजस्थान से शामिल थे संविधान निर्मात्र सभा में, जो शामिल नहीं थे उनके बारे में पूछ रहा है कि शामिल कौन नहीं थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा, उसमें शामिल नहीं थे। मोतीलाल तेजावत, राय बहादुर, जय नारायण व्यास तीनों शामिल थे लेकिन माणिक्य लाल वर्मा नहीं थे। अगला क्वेश्चन, राजस्व मंडल अजमेर है, क्या है राजस्व मंडल? राइट आंसर हो जाएगा एक अर्धन्यायिक निकाय है। क्या है? अर्धन्यायिक निकाय। ऐसे पूछ लेता है कि राजस्व मंडल कहाँ पे हैं, कौन से जिले में हैं, तो कुछ तो जयपुर करके आते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक अर्धन्यायिक निकाय, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड किस विदेशी संस्थान के द्वारा वित्त पोषित है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक या AFD, बताइए कौन से बैंक के द्वारा है। राजस्थान करंट जीके का क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड किस विदेशी संस्थान के द्वारा वित्त पोषित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचम वित्त आयोग के पंचांट जो है अवधि क्या है? 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल पूछ रखा है। आपको नहीं आता है तो आप है ना स्किप कर देना वीडियो को, ये क्वेश्चन है छोड़ देना, गलत आंसर मत बताना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 2015 से 2020 तक जो पंचम वित्त आयोग है उसका पंचांट अवधि है। अगला क्वेश्चन, भारत नवाचार सूचकांक 2019 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? भारत नवाचार सूचकांक में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 13वें नंबर पर रहा है। भारत नवाचार सूचकांक 2019 में राजस्थान 13वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान बीकानेर, मत करके आना, कहीं चालान कटवा लो, जोधपुर राइट आंसर यहाँ पे होगा, ओके। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को कृषि जलवायु दृष्टि से कितने प्रखंडों में बांटा गया है? जलवायु की दृष्टि से, कोपेन की जलवायु तो पढ़ी होगी आपने, ओके, तो जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य में नहरों की सिंचाई में सर्वाधिक किस जिले में होती है? कौन से जिले में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है? नहर कौन से जिले में सर्वाधिक आती है? तो ये आपका जिला हो जाएगा गंगानगर, राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है और मैं आपको डिटेल्स भी कुछ क्वेश्चन की करवा दूंगा। अंतिम क्वेश्चन है कि कथन दे रखा है, निम्न में से एक कथन है, पहला देख लीजिए आप, ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, सही बात है क्या ये? और दूसरा है कि राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी है, दोनों बातों में पूछ रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हालांकि आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे यहाँ पे, ओके, तो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, देखो दोनों सत्य हैं, दोनों बात सही है हमारे राजस्थान में कि बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, ओके, और ये भी सही है कि राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी है, प्रत्येक घर में बकरी गाय वगैरह है, ओके। तो ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं। वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन हैं उनके उत्तर जो है गलत दे रखे थे, वो मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप।
जो क्वेश्चन नंबर 147 है, इसके अंदर केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान दे रखा है। यहाँ पे केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी ना मित्रों, अविका नगर टोंक राइट आंसर होगा। ओके, उसमें जोधपुर नहीं होगा ना बीकानेर होगा, ये ऊन से संबंधित है, ऊन मंडी व ऊन से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित। जबकि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वह आपकी टोंक के अंदर है, अविका नगर टोंक में स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है जो गलत हो गया। ओके, इसके अंदर आपके जो हैं 142 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसके अंदर 1946 में देश के संविधान निर्मात सभा में निम्न में से कौन सा स्थान जो है राजस्थान से नहीं था? राजस्थान से जो नहीं थे वो आपके मोतीलाल तेजावत नहीं थे, बाकी माणिक्यलाल वर्मा थे। ओके, इसके अंदर हमेशा कन्फ्यूज रहता है, तो इस चीज़ को आपको कन्फ्यूज नहीं होता है होना है। मोती नहीं गया था, माणिक्यलाल गया था। ओके, मोती तो अपने आप में गर्व था मोती होने का, इस वजह से मोतीलाल तेजावत ने जो 1946 में संविधान निर्मात सभा थी उसमें भाग नहीं लिया था। टोटल कितने थे? तो 15 लोग थे टोटल उसमें शामिल होने वाले। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है छोटा सा, जो 30 मिनट का समय अंतराल दिया जाता है ना आपको लंच के अंदर बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो वो 30 मिनट का नहीं, एक घंटे का अंतराल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 था वो। ओके, तो वह भी देख लीजिए आप। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका एक घंटा हो जाएगा, एक घंटे का समय अंतराल दिया जाता है बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत। बच्चों को 3 घंटे के कार्य के अंतराल पर कितना दिया जाता है? 1 घंटे का समय अंतराल उनको दिया जाता है, ना कि 30 मिनट का दिया जाता है। ओके, और इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन है और है, वह भी आप देख लीजिए, जिसमें कंफ्यूज है वो एक बार दोबारा से देख लीजिए आप। ओके, ये वाला क्वेश्चन नंबर 60 भी एक बार आप दोबारा देख लीजिए कि किसी फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण उसके संचरण को सुरक्षित करना होता है, उसके संचरण को सुरक्षित करना किसी फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कारण होता है। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन आप सभी को पता है, भारत का प्रथम वायसराय वगैरह, वो सभी सही है। इन क्वेश्चनों में डाउट था, कुछ गलत भी हो गए थे, ये दोनों क्वेश्चन तो मैंने सही करवा दिए हैं। ध्यान रखना, मोतीलाल तेजावत ने भाग नहीं लिया था, भेड़ उनका पूछे तो अविका नगर टोंक है, एक घंटे का समय अंतराल, इसके अलावा इसके संचरण का जो है सुरक्षित करना राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और फिर भी यदि कुछ कमी लगती है तो भाई मैं भगवान नहीं हूँ, कुछ भी कमी हो तो ज़रूर बताना। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ समय वगैरह का कुछ परिवर्तन करना हो तो बहुत अच्छे से आप सभी मेरे को कमेंट में बता देना कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।